परिवार की लड़ाई, चाचा भतीजे का वॉर, यूपी से बनी तस्वीर अब पूरे देश में छाई। देश में इस वक्त चाचा और भतीजे की सियासी लड़ाई काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले अब यह लड़ाई उत्तर प्रदेश के बाहर बिहार और महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। हालांकि इसकी जड़ें यूपी से ही जुड़ी हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच की सियासी जंग किसी से छिपी नहीं है। 2022 से पहले 7 सालों तक दोनों के बीच जमकर जुबानी तीर चले थे। दरअसल इस वक्त चाचा और भतीजे के बीच की सियासी जंग पूरे देश की राजनीति में छाप छोड़ रही है, लेकिन इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। तब मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत को बेटे अखिलेश यादव को सौंप दिया था। इसके बाद पार्टी में अखिलेश यादव के बढ़ते दखल की वजह से चाचा शिवपाल यादव नाराज हुए। कई बार खुले मंच से दोनों ने एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले किए। बाद में दोनों के बीच बात ऐसी बिगड़ी कि शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली। उन्होंने प्रसपा का गठन किया और सपा के खिलाफ चुनाव लड़ा। राजनीति के जानकार ऐसा दावा करते हैं कि शिवपाल यादव कुछ वक्त तक बीजेपी के संपर्क में भी रहे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए एक साथ चुनौती का सामना करना पड़ा तो दोनों के तेवर नरम पड़ गए। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और प्रसपा का गठबंधन हुआ। हालांकि मन और दिल भले ही ना मिले हों, लेकिन जरूरत और वक्त ने दोनों को एक मंच पर खड़ा कर दिया। चुनाव में हार के बाद दोनों के बीच फिर से राह हुई, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन ने दोनों के बीच की दूरी को खत्म कर दिया। मैनपुरी उपचुनाव में दोनों ने डिंपल यादव के लिए साथ प्रचार किया और जीत के बाद प्रसपा का सपा में विलय हो गया। लेकिन अब चाचा और भतीजे के बीच की सियासी जंग यूपी के बाहर पहुंच चुकी है। पहले महाराष्ट्र में शरद पवार की सियासत को उनके भतीजे अजीत पवार ने चुनौती दी और दूसरी ओर बिहार में भी ऐसी ही तस्वीर बनी हुई है। शरद पवार से अलग होकर अजीत पवार ने एनसीपी के विधायकों को तोड़ा और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के साथ सरकार में आ गए।